स्पेशल इन्वाइटेस पार्टी सेवन के हम लोग का पासीघाट वेस्ट का विधायक एन एरिंग जी, जो हम लोग का हाइड्रो पावर का एडवाइजर भी है, पोनमल एमएल है पासीघाट के, कालिंग बोयम जी, ओके अम्बोरन जी जो हम लोग का यहाँ का किसी फंक्शनर है पासीघाट का, और जो रुक्सिन पिलर से आए हुए और मेबो से आए हुए जेट पी है, और ये बाकिन प्रतिम का जो हम लोग का जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर तली सर, डॉक्टर आशीष अलो प्रिंसिपल जे एन सी, वाइस प्रिंसिपल सीतम सर, रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, अगिन तबो यूनियन एडवाइजर, तानी तदिन जनरल सेक्रेटरी जे एन सी पासीघाट और उसका सब एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैं आज दो सीट याद आ गया, एक तो सोता से ये भी ये कॉलेज में पढ़ना चाहता था, लेकिन हम तो बाहर में पढ़ने गए और इंजीनियरिंग कॉलेज, इसलिए यहाँ भी नहीं आ पाया, क्योंकि हमारा बस्ती तो ये रंगीन बस्ती है, यहाँ से आप लोग का पेन से दिखाई देता है, उधर से चौथा में हम लोग पैदल आते थे, वो टाइम में यहाँ का स्टेट लोग ये टाई को वगैरह पहन के घूमते थे, और शायद मेरा पढ़ने में भी ये उन लोग का ड्रेस वगैरह देख के इंस्पिरेशन भी आप मिला है, हमको भी पढ़ना है, एक दिन हम जे एन कॉलेज में एडमिशन लेने बोल के चौथा में ऐसे सुसाइड, और आज तो हम लोग को देख के तो ऐसे लगता है हम लोग तो स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट जैसा हमको तो दिख रहा है, इतना छात्र छात्र स्टूडेंट है, हमारा जमाने में तो हम लोग का उम्र में शायद क्लास वन टू में हम लोग पढ़ते थे, ये हम ये बात किस लिए बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ जे एन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये जो हम चौथा हो के जो स्टेट लोग को रेस्पेक्ट मिला दिया था, वो सब रेस्पेक्ट आप लोग को भी देना चाहिए, इसलिए आप लोग भी ये कोशिश करना है कि ये स्कूल कॉलेज का ये अच्छा के लिए आप लोग भी कोई भी पब्लिक प्लेस में हो कॉलेज में हो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और ये मैं अपना कॉलेज ज्वाइनिंग का भी याद कर रहा है, मैं तो शायद 42 ईयर्स पहले कॉलेज ज्वाइन किया था, उसमें हम यहाँ में ज्वाइन नहीं कर पाया, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने से हमको तो बहुत ही अच्छा लगा था, और ये आज जैसे आप लोग कॉलेज ज्वाइन करा रहा है, हम लोग भी इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना बुरा से तो नहीं होता था, लेकिन ये सेलिब्रेशन तो होता था, और जो कॉलेज में इलेक्शन वगैरह पॉलिटिक्स वगैरह भी होता था, तो कॉलेज का एक तो चौथा सा हम इंसिडेंट बता देंगे, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं भी एक तो पोस्ट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तो मैं तो अरुणाचल प्रदेश का हूँ, ये वो कॉलेज में शायद हम फर्स्ट स्टूडेंट हैं अरुणाचल प्रदेश से, ओके हमारा इतना जान पहचान भी नहीं था, तो हमको कॉन्टेस्ट चैलेंज करने वाला उधर का लोकल मराठी स्टूडेंट था, मैं तो पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया था, तो लड़का लोग आके हमको बोला है तुम इलेक्शन नहीं लड़ना है,
तुम्हारा नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ करना है। नहीं करने से हम लोग कल्हापुर से गुंडा मुआ के तुमको पीटनी नहीं करोगे। तो आप लोग कोरोना में यहाँ में जितना बेहतर है पहले हिंदी फिल्म में एक तो चाकू था दबाने से वो निकाल जाता था वो कल्हापुर चाकू बोलते उसको। तो लेकिन मैंने अपना वो पेपर को विड्रॉ नहीं किया, वो हम जीत भी गया थे। जनरल सेक्रेटरी आप लोग का ये एग्जीक्यूटिव मेंबर का ये हमको करेगा नहीं करेगा तो बोल नहीं सकता है, लेकिन ये हाई मार्क्स दो तो ना तीन तो लगाने के लिए बोला है, हम जरूर कोशिश कर देंगे। और अभी मैं पासीघाट के MLA हूँ, अभी मालूम हुआ है ये पॉलिटिशियन होने के लिए अच्छा और तो होना चाहिए सर। ये पूरा अरुणाचल का 60 MLA में से सर हम सबसे ये कमजोरी है, हम अपने से महसूस करता है। और ये हम सोचता है आदमी लोग बोलता है इसलिए लोग पॉलिटिक्स नहीं खेलना है, मैं सोचता हूं इसलिए लोग क्यों पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना भूतल भूतल है उसमें से 40% 18 साल से 30 साल का उम्र का है। अभी ये 40% जो भूतल है ये हम लोग का सोसाइटी का फ्यूचर है सर। अपना फ्यूचर को कैसे ले जाना है, कैसे बढ़ना है, आप लोग का भी राइट बनता है। इसलिए हम सोचते हैं इसमें जो पुराना जमाने में होता था इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेलता है, लेकिन हम तो सोचते हैं पॉलिटिक्स खेलने से ये शायद हम आज ये प्लेटफॉर्म में गलत बोल रहा होगा, लेकिन पहले हम लोग छोटा से सुना है पढ़ना लिखा अच्छा करो, ये स्पोर्ट्स अगर गेम्स में पार्टिसिपेट मत करो बोल के हमको सुना था, पढ़ के लिख के ऑफिसर बनेगा, लेकिन आज का दिन में तो ऐसे नहीं है। ये टाइम और सिचुएशन के साथ सर हम लोग का सिस्टम भी बदलना चाहिए। अभी आप फोन लिख के इतना नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन हो जाता है, इसलिए ये सर मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेट करके आजकल तो शायद अरुणाचल में 5% नौकरी रिजर्वेशन देता है, इसलिए जोर तोर से हम सोचते हैं ये स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेट करना है और अपना शरीर के लिए फिजिकल ये के लिए भी ये शायद अच्छा है। और ज़्यादा तो मैं आप लोग को बोरिंग नहीं करूँगा, मैं हम लोग का सीपीएस आज का जो असिंह सिंह जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर है उससे रिक्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ में पासघाट जेएनसी में बहुत ही प्रॉब्लम है और अब तो बहुत यहाँ का ईस्टर्न भी रह चुका है और आपका पॉलिटिकल करियर भी ईस्टर्न यूनियन से शुरू किया है, इसलिए यहाँ में ईस्टर्न लोग का प्रॉब्लम अगर तो हमसे ज़्यादा से आप समझेगा। और आदि MLA लोग से आप बोलने से तो बहुत अधिक आपे भाई बाप हैं, आप मिनिस्टर हैं। ये यहाँ में कॉलेज का कोई कोई स्टाफ बनता है, ये स्टाफ का बीच से जो एक तो मेन रास्ता है जो सामने से एक तो गाड़ी जाना है, इसको शिवकरम तरफ से रास्ता को रीअलाइन करने से ठीक है बोल के प्रपोजल दे रहे हैं। और जो अपर कैंपस में जा रहा है उसको भी वो बाहर तरफ से ले जाने से ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर से ये पब्लिक मोबिल होने से यहाँ उन लोगों को काफ़ी डिस्टर्बेंस भी होता है स्पेशली ये प्रॉब्लम होने का टाइम में। और ये सामने में तो गार्ड्स हॉस्टल है उसका भी गार्ड्स हॉस्टल है, इसलिए ये बेहतर लोग इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इसलिए मैं
मोजिंग जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अरुणाचल गवर्नमेंट ने ये रास्ता को, और सेकेंड यहाँ में ये कंपाउंड वाल भी नहीं है, यहाँ में पासवर्ड में इतना जमीन का एनक्रोचमेंट होता है, इसलिए जो डिस्पूट एरिया है मैं इसलिए यूनियन लोग को भी रिक्वेस्ट करना चाहता है और प्रिंसिपल सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता है, ये जितना भी डिस्पूट है उन लोग को सेटल करके कहीं से भी होगा मैं पान का तो जोहर कर दूंगा, लेकिन ये ट्रांसफर और ये बाउंड्री डिस्पूट को खत्म करने से ठीक है मैं सोचता हूँ। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने यहाँ आपको ये सब ऑर्डर बुलाया है और ये जनरल सेक्रेटरी को भी, और ये मैं और पासवान की तरफ से ये ऑनरेबल मिनिस्टर को भी हम लोग पासवान में वेलकम करते हैं, और ये इलेक्शन को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो 1 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है आप जरूर देख देंगे, और मंत्री सर को भी रिक्वेस्ट करते हैं जो 2 क्लासरूम एक्सटेंशन के लिए जनरल सेक्रेटरी ने रिक्वेस्ट किया है उसको भी साफ जरूर देखेगा होगा। इतना बोलते हुए मैं मेरा मसल यही समझ करना चाहता हूँ, थैंक यू, धन्यवाद, आराम पाए।